ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के एक बेहद ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर में पैदा नहीं होता, खान पान के माध्यम से हमारे शरीर को मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है, त्वचा को कोमल और मुलायम रखता है, नींद लेने में मदद करती है। ऐसे और भी कई काम करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होती है। नंबर 1, अखरोट। अखरोट में सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, विटामिन ई और कॉपर भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 2, फ्लैक्स सीड्स। आलसी के बीच ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे अच्छे और शाकाहारी स्रोतों में से एक है। आलसी के बीच में मैग्नीशियम और विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। नंबर 3, चिया सीड्स। चिया सीड्स में ओमेगा 3 भर भर के होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैंगनीज और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। आप इसका इस्तेमाल स्मूदी में कर सकते हैं। नंबर 4, सोयाबीन। सोयाबीन में फाइबर, प्लांट प्रोटीन, विटामिन के, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटासियम सहित दूसरे मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में होते हैं। नंबर 5, अंडे। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से पीड़ित हैं तो आपको रोज़ाना अंडा खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कोलिन जो वसा से लड़ने में मदद करता है। नंबर 6, फूलगोभी। फूलगोभी ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत होने के अलावा ये पोटासियम, नियासिन और मैग्नीशियम का भी एक शानदार स्रोत है। नंबर 7, सालमोन फिश। सालमोन उन खाद्य पदार्थ में से एक है जिसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा प्रोटीन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सिलेनियम और विटामिन B5 भी भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 8, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन मछली का तेल लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा आपको नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया।